हेलो फ्रेंड्स, आज शिव जी का मूर्ति बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी ले लिया, मिट्टी के साथ एक टूल और वाटर। तो दोस्तों, सबसे पहले शिव जी का बैठने का जगह बनाना होगा, इसीलिए मैंने इसे बना दिया। उसके ऊपर शिव जी का पैर को अच्छी तरीके से दोनों पैर सेटिंग करना होगा। तो पैर को सेट करने के बाद आपको उसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग करना होगा। तो देखिए, मैंने फिनिशिंग कर लिया। उसके बाद शिव जी का बॉडी जो है उसको बनाना होगा। तो बॉडी के लिए मैं अलग से मिट्टी को ऐड करूँगा। तो देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने मिट्टी को सेट कर दिया। उसके बाद इस मिट्टी को भी आपको फिनिशिंग करना होगा, बॉडी पार्ट जैसे होता है उस तरीके से। तो उसके बाद बॉडी को बहुत ही अच्छा डिटेल में बनाना होगा, एकदम फिनिशिंग की तरह। तो देख सकते हैं, मैंने उसी तरह से कैसे ही बनाया बॉडी को। तो दोस्तों, इस वीडियो शुरू से पहले ही आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। उसके बाद शिव जी के पेट में भी थोड़ा मिट्टी देना होगा। तो दोस्तों, बॉडी के पार्ट बनाने के बाद भी इसको भी आपको डिटेलिंग करना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं करोगे तो ये देखने में, बाद में आपको फिनिशिंग करने में बहुत ही दिक्कत होगा। उसके बाद आपको हाथ बनाने के लिए बॉडी के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी दोनों साइड में देना होगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने बॉडी को अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर लिया। उसके बाद टाइगर का स्किन जो है उसको बनाना होगा। तो देख सकते हैं, मैंने अलग से करके एक मिट्टी को ऐड किया है यहाँ पे। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस करके इस मिट्टी को भी फिनिशिंग करना होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मैंने इसको भी फिनिशिंग कर लिया। उसके बाद टाइगर का स्किन का जो बाल होता है उसको बनाने के लिए साइड में थोड़ा अलग से मिट्टी ऐड करना होगा। उसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या टूल से अच्छी तरीके से उसको डिटेलिंग करना होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको शिव जी का हाथ बनाना होगा। तो हाथ के लिए अलग से मिट्टी का कॉयल को ऐड करूंगा इस तरीके से। तो देखते रहिए इस वीडियो को। उसके बाद हाथ को भी आपको फिनिशिंग करना होगा। तो हो गया। उसके बाद और एक हाथ भी आपको सेटिंग करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट में बताना कैसे हुआ ये शिव जी का मूर्ति। मेरे चैनल पे बहुत सारे इसी रिलेटेड वीडियो हैं, आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
उसके बाद आपको दोस्तों हाथ का मसल जो है उसे बनाना होगा। मैं हल्की सी मिट्टी को ऐड करूंगा हाथ में, तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से दोनों हाथ में ही मसल बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको फेस बनाने के लिए थोड़ा सा राउंड करके मिट्टी, थोड़ा अंडे की तरफ मिट्टी ऐड करना होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फेस का मिट्टी को ऐड किया। उसके बाद शिव जी का हाथ में जो उंगलियां है उसको बहुत ही डिटेल में बनाना होगा। तो देख सकते हैं मैंने अलग से करके एक एक उंगलियां बना दिया। उसके बाद उसको सेटिंग कर दिया, कौन सी उंगली बड़ा कौन सी उंगली छोटा वो अपने हाथ में देख लीजिए। उसी तरीके से आपको शिव जी का उंगलियां को बनाना होगा। तो मैंने इस तरीके से बना दिया। उसके बाद हाथ का नीचे की ओर थोड़ा मिट्टी ऐड किया। उस मिट्टी को ऐड करने के बाद और एक उंगलियां जो है उसको भी सेटिंग करना होगा। तो दोस्तों हाथ रेडी होने के बाद भी उसे भी आपको वाटर और ब्रश की मदद से फिनिशिंग करना होगा। तो मैंने इस तरीके से हाथ को फिनिशिंग कर लिया, देख सकते हैं। उसके बाद और एक हाथ जो है उसको भी आपको सेम तरीके से बनाना होगा। तो फ्रेंड्स उंगली आप इस तरीके से बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो अलग से थोड़ा मिट्टी हाथ के ऊपर ऐड करके उसको टूल की मदद से काट करके उंगलियां बना सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको फेस को डिटेल में बनाना होगा। तो फेस बनाना का वीडियो बहुत सी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बालों के लिए एक लाइन काटना होगा, उसके ऊपर बालों के लिए थोड़ा मिट्टी ऐड करना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने मिट्टी ऐड कर दिया। उसके बाद आपको नोज़ के लिए फेस के अंदर एक लाइन टनना होगा और आई के लिए, तो मैंने कर दिया। उसके बाद आपका दोनों हाथों से आई की जगह पे प्रेस कर दीजिए। नाक के लिए थोड़ा अलग से मिट्टी ऐड करना होगा आपको, तो मैंने कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फेस बनाने का ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी। इसीलिए आप मेरे चैनल में जाकर बहुत सी फेस बनाने का वीडियो है, उन वीडियो को देख सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने फेस को बना लिया। फेस को बाद में थोड़ा फिनिशिंग करना होगा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए शिव जी का ज्वेलरी जो है रुद्राक्ष, उसको बनाना होगा। उसके लिए थोड़ा राउंड करके मिट्टी को थोड़ा लंबा करके ऐड करूँगी, उसके बाद उसको टूल की मदद से राउंड से शेप दूँगी। तो मैंने कर दिया। उसके बाद आपको शिव जी का बालों को कंप्लीट करना होगा। तो देख सकते हैं टूल की मदद से मैंने कैसे किया। तो बाल बनाने के बाद शिव जी का गले में जो सांप होता है उसको बनाना होगा। उसके लिए अलग से मिट्टी ऐड करना होगा गले पे। तो देखिए इस तरीके से। उसके बाद सांप की पूंछ और फेस भी बनाना होगा सेम तरीके से। तो मैंने अलग से करके सांप का फेस जो है उसे बना दिया। उसके बाद उसको मैंने सेटिंग करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने सांप का फेस को बना दिया, उसको सेटिंग किया मैंने। उसके बाद सेम उसी तरीके से सांप का पूंछ जो है उसको बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया।